नमस्कार पलपल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना, कैमरा सहयोगी दीपक सोनी के साथ। जैसे कि शिवनगर से आपको बता दें कि शिवनगर के अंदर एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक विद्यार्थी है, बाहर नोएडा से पढ़ने वाला है, नोएडा से सिरसा पहुंचा है, शिवनगर का बताया जा रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ शिवनगर के अंदर ही। आपको बता दें कि 3 दिन से वो व्यक्ति सिरसा के अंदर शिवनगर के अंदर रह रहा है। कोरोना पॉजिटिव की इसकी रिपोर्ट की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी देखा जाए न ही प्रशासन की ओर से यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अभी तक नजर नहीं आ रही। वहीं आपको कंटेनमेंट जोन की तस्वीरें भी दिखा लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से सिरसा में शिवनगर में कुछ दिन पहले भी एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया था, मामला सामने आते ही कॉलोनी को सील कर दिया गया था, शिवनगर को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। वहीं अब वो कंटेनमेंट जोन एक खोला गया है तो दूसरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन अभी कंटेनमेंट जोन कोई नहीं बना है शिवनगर में। देखिए अब किस तरह के हालात है, लोग किस तरह से घरों के बाहर है। ज़्यादातर हमने देखा शिवनगर के अंदर लोगों ने किस तरह से ना ही मास्क पहना हुआ, किस तरह झुंड बनाकर खड़े। तो वहीं आपको तस्वीरें दिखा देते हैं शिवनगर के अंदर किस तरह के हालात है।